ये जो गेमिंग मशीन आप देख रहे हो जैकपॉट वाली, ये मशीनें हमने पैक करी हैं नोएडा 144 के अंदर। ये आप देख सकते हो ये वाली बिल्डिंग है, और हम वहाँ पर पहुँच के मशीनों का मेजरमेंट लेने के बाद कटिंग स्टार्ट करते हैं वुडन करेट बनाने के लिए। वुडन करेट हम बनाते हैं, ये बेस बन रहा है। वुडन करेट बनने के बाद हम करेंगे पैकिंग स्टार्ट। आप देख सकते हो कितना समय लग जाता है, बारीकी से काम हो रहा है। इसमें पूरी टीम हमारी लगी हुई है, और इसके बाद हमने ये उन मशीनों का ढांचा बना के खड़ा कर दिया। ये प्रॉपर करेट बन चुकी हैं, और ये काम आने वाली हैं लास्ट में। पहले हम इससे पहले करेंगे पैकिंग स्टार्ट। अभी हमें तैयारी पहले करनी पड़ती है, इसीलिए ये हमने तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली है। और आप देख सकते हो ये गेमिंग मशीन को हमने पहले थर्माकोल लगाया है। थर्माकोल लगाने के बाद हम लगाएंगे इसमें बबल। पूरा स्क्रीन है चारों तरफ, सही से हमने थर्माकोल बबल वगैरह लगा के सही से पैक किया है। और इसके बाद लगाते हैं हम फोम सीट, जो फैब्रिक होता है इसके ऊपर, फिर अंदर फोम होती है, इसे लगाते हैं हम। अभी आपकी ट्रिपल लेयर अभी तक हो चुकी है, और इसके बाद हम लगाते हैं कार्डबोर्ड। ये हो गए 4 लेयर, क्योंकि ये मशीनें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसको उतनी ही ज़्यादा केयरली से पैक करा जा रहा है बढ़िया तरीके से। और लास्ट में ये वुडन करेट में डल जाएगी, जो कि इसमें कोई नुकसान ना हो। इंडियन मशीन नहीं है, जैपनीज़ मशीन है, तो विदेश से आती मशीन, तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितनी दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसीलिए इन लोगों ने हम लोगों को हायर किया है, और हम इसे बढ़िया से अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिना किसी उसके नुकसान के पहुँचे। इसीलिए इसमें हमारे टीम पूरी मेहनत कर रही है। अब ये हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पैक कर दिया है, और इसमें ये मार्किंग करी जा रही है। यहाँ पर इस पर स्क्रीन है, और एक इतनी बड़ी स्क्रीन इसमें लगी हुई है, इधर एक मार्किंग हो जाती है, और फिर एक उसके बाद नीचे मार्किंग हो जाएगी कि यहाँ पर भी इसमें भी स्क्रीन है इधर। और ये पैक होने के बाद हम इसे निकालते हैं यहाँ से बाहर, नीचे गत्ता डालते हैं। GLI कंपनी है ये, इसकी पैकिंग मशीनें पैक कर रहे हैं हम लोग। और हम मशीन को खींच के लेके जाते हैं, उठाना बड़ा नाजुक है वाला काम है, कहीं से डैमेज हो सकती है, इसीलिए हम इसे घसीट के लेके जा रहे हैं। और ये हमने लास्ट में वुडन करेट के अंदर डाल दी। वुडन करेट में पैक होने के बाद फिर हम इसे गाड़ी में लोड कर लेते हैं।